हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में शास्त्रीय नृत्य के नर्तक एवं नर्तकी को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके SSC, HSL और RRB ग्रुप NTPC में पूछे गए हैं। उन सारे प्रश्नों को दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम SSC, MTS और ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखें तथा इसके PDF दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ दोस्तों, आज का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मीनाक्षी श्रीनिवासन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर है वो है आपका भरतनाट्यम, जो कि दोस्तों तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो मीनाक्षी श्रीनिवासन का अगर संबंध पूछे तो आप इसे भरतनाट्यम मार सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि कलामंडलम राजन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2009 में संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है दोस्तों आपका कथकली से। तो कलामंडलम राजन का संबंध किस नृत्य से है, तो कथकली। अगला जो प्रश्न है कि भारत के भरतनाट्यम और उड़ीसी नृत्य शैली के मलेशियाई कोरियोग्राफर रमाली बिन इब्राहिम को निम्नलिखित में से किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो ये सम्मानित किया गया है आपका 2018 ईस्वी में। अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे कौन। तो गोपाल प्रसाद दुबे को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। तो इसका जो नृत्य है वो आपका छाव नृत्य। तो गोपाल प्रसाद दुबे का जो संबंध है वो आपका छाव नृत्य से है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा निम्नलिखित में प्रमुख नर्तकियों में किसे प्रदान की गई थी। तो ये प्रदान किया गया है आपका यामिनी कृष्णमूर्ति को। अगला है कि सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष 10 दिनों के लिए डैश में आयोजित किया जाता है। तो सूर्य शास्त्रीय नृत्य है वो आपका आयोजित किया जाता है तिरुवनंतपुरम में। अगला है कि 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित रुक्मणि देवी अरुंडले एक डैश नृत्यंगना थी। तो ये आपका दोस्तों भरतनाट्यम की नृत्यंगना थी। कौन, तो रुक्मणि देवी अरुंडेल। अगला है दोस्तों कि कोणार्क नृत्य महोत्सव डैश की पृष्ठभूमि में एक ओपन एयर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है, जिसे ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यह आपका सूर्य मंदिर की पृष्ठभूमि में ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाता है, जिसे कि दोस्तों ब्लैक पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि मल्लिका साराभाई डैश के लिए विख्यात सबसे मशहूर भारतीय नृत्यांगना है। तो मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वह आपका कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से है। अगला है कि गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणवीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार को दिया जाता है। तो ये आपका ओडिशी नृत्य का नृतंगना नृतक नर्तक को दिया जाता है। अगला है कि मंजूश्री चटर्जी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो मंजूश्री चटर्जी को दोस्तों आपका कथक के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2019 ईस्वी में। अगला है कि पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित इटली में जन्मी भारतीय नृत्य प्रतिपादक इलियाना सिटारिस्टी को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके प्रमुख योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था। तो इलियाना सिटारिस्टी का संबंध है आपका ओडिसी नृत्य से। अगला है कि डैश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्म विभूषण प्राप्त करने वाला प्रथम महिला नर्तकी। तो प्रथम महिला नर्तकी हैं आपका तंजोर बाला सरस्वती, जिसे कि देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। अगला है कि विदेशी मूल की प्रथम शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है, जिन्हें ओडिसी में
उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो इसका इस या ये है आपका इलियाना सिटारिस्टी। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता महान नृत्यांगना ने भरतनाट्यम के नाम से एक नवीन नृत्य शैली विकसित की? तो ये आपका दोस्तों पद्मा सुब्रमण्यम ने की थी। अगला है कि राजकुमार सिंहजीत सिंह को निम्नलिखित में किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो राजकुमार सिंहजीत सिंह को दोस्तों आपकी मणिपुरी नृत्य के लिए 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला है कि वी सत्यनारायण शर्मा को डैश के लिए जाना जाता है। तो वी सत्यनारायण शर्मा जो दोस्तों आपका कुची शास्त्रीय नर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय वाद्य यंत्र पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा बजाया जाता है? तो दोस्तों ये आपका संतूर जो वाद्य यंत्र है वह आपका पंडित शिव कुमार वर्मा के द्वारा बजाया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि मल्लिका अर्जुन मंसूर कर्नाटक की एक भारतीय शास्त्रीय गायक और ख्याल शैली के एक उत्कृष्ट गायक संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित हैं? तो ये आपका संबंधित हैं जयपुर अतरौली घराने से। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को लोक नृत्य पंथी में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया आपका दोस्तों डॉक्टर राधेश्याम बरले को। अगला है कि लक्ष्मी शंकर डैश घराने की एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है। तो लक्ष्मी शंकर का जो संबंध है दोस्तों आपका पटियाला घराने से है। अगला है कि डैश में आयोजित एलोरा अजंता नृत्य महोत्सव भारत की संस्कृति और इतिहास के बीच एक अंतरा पृष्ठ है। तो ये दोस्तों आपका कब हुआ था आयोजित? तो ये दोस्तों जनवरी में आयोजित हुआ था आपका एलोरा अजंता नृत्य। अगला है दोस्तों कि बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख प्रतिपादक थी? तो बाला जो सरस्वती है वह आपका दोस्तों भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक थी। अगला है कि पद्म विभूषण से सम्मानित कुमुदिनी लखिया एक डैश नृत्यांगना है। तो दोस्तों कुमुदिनी लखिया एक आपकी कथक नृत्यांगना है। अगला है कि पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित विक्कू वीणा एकरम एवं डैश वादक हैं। तो ये दोस्तों आपका घटम वादक है कौन? विक्कू विनायकरम। अगला है उस्ताद जाकिर हुसैन भारतीय तबला वादक डैश के पुत्र हैं। तो उस्ताद जो जाकिर हुसैन हैं वे आपके उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में एक कथक नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो ये दोस्तों कलिका प्रसाद हैं जो कि दोस्तों आपका 19वीं सदी के कथक नृत्य के प्रतिपादक थे। अगला है कि उस शास्त्रीय नर्तक नर्तकी का नाम बताइए जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों उसका जो नाम है आपका वेमपति चिन्ना सत्यम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाला प्रमुख वादक हैं? तो दोस्तों सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत हासिल करने वाले जो आपके वादक हैं वे आपका उस्ताद इमरत खां हैं। अगला है कि प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में डैश में हुआ था। तो जो प्रसिद्ध पार्श्व गायक हैं किशोर कुमार उनका जन्म 1929 में दोस्तों खंडवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो खंडवा में। अगला है कि अलामर्द वैली को डैश नृत्यांगना के रूप में पहचाना जाता है। तो अलामर्द वैली है जो कि दोस्तों आपका भरतनाट्यम की नृत्य शैली के रूप में इन्हें जाना जाता है। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डांस फॉर्म इज परफॉर्म्ड बाय सोनल मनी सिंह। तो सोनल मनी सिंह जो डांस परफॉर्म करती है दोस्तों आपका भरतनाट्यम और उड़ीसी दो नृत्य को ये परफॉर्म करती है।
अगला है कि मंगनू चरण दास कौन, तो मंगनू चरण दास को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तब मंगनू चरण दास को दोस्तों आपका सम्मानित जो किया गया है वो आपका गोटीपुआ नृत्य शैली है, उसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला है कि वेदांतम सत्यनारायण शर्मा कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिनिधि हैं, तो वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो कि दोस्तों आपका कुचिपुड़ी के नृत्य शैली के प्रतिनिधि हैं। अगला है दोस्तों कि गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के अथक प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो दोस्तों गुरु एम के सरोजा हैं जिन्हें कि दोस्तों भरतनाट्यम के नृत्य से नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला जो प्रश्न है कि कुचिपुड़ी नृत्य शैली के प्रतिपादक वी सत्यनारायण शर्मा को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया, तो दोस्तों जो वी सत्यनारायण शर्मा हैं उनको आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था किस नृत्य शैली के लिए, तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार और गायक हैं जो मद्रास के मोजार्ट उपनाम से लोकप्रिय हैं, जिनको 2009 में द टाइम की विश्व की सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया था, तो ये हैं दोस्तों आपका ए आर रहमान, जिन्हें दोस्तों मद्रास के मोजार्ट के नाम से भी लोकप्रिय हैं। अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक तबला नहीं है, तो दोस्तों जी एना बाला सुब्रमण्यम में है जो कि एक तबला वादक आपके नहीं थे क्वेश्चन के अनुसार। अगला है कि विद्या गौरी अडकर टेस्ट शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो विद्या गौरी अडकर हैं जो कि दोस्तों आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। अगला है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित कौन, तो गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली किस शैली में उनके शानदार प्रदर्शन और नृत्य कला कोरियोग्राफर के लिए जाना जाता है, तो ये दोस्तों आपका जाना जाता है कुचिपुड़ी नृत्य शैली के लिए। अगला है कि पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पंडित निखिल ज्योति कौन दोस्तों, तो पंडित निखिल ज्योति घोष डैश के वादक हैं, तो ये आपका दोस्तों तबला वादक हैं। अगला है कि 2016 में पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में भारतीय नृत्यांगना है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है आपका भरतनाट्यम से है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस पूर्वी घाट के अर्ध शास्त्रीय नृत्य छऊ में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो इस सम्मानित जो किया गया है आपका मकर ध्वज दरोगा को सम्मानित किया गया है छऊ नृत्य के लिए 2011 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित। अगला है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू कौन, तो दोस्तों शोभा नायडू देश की नृत्यांगना है, तो शोभा नायडू दोस्तों आपका कुचिपुड़ी नृत्य की नृत्यांगना है। अगला है दोस्तों कि पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी कौन, तो सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों सितारा देवी को जो सम्मानित किया गया है आपका कथक नृत्य के लिए सम्मानित किया गया है। अगला है दोस्तों कि अनुभवी नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी कौन, तो जतिन गोस्वामी को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों ये आपका सम्मानित किया गया है सतरिया नृत्य के लिए। अगला है दोस्तों कि पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सुब्रमण्यम एक देश नृत्यांगना है, तो पद्मा सुब्रमण्यम दोस्तों आपका भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है। अगला है कि 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कौन, तो पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय देश नर्तक हैं, तो दोस्तों ये आपके कथक के नर्तक थे कौन, तो पंडित शंभू महाराज। अगला है कि भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी कौन दोस्तों, तो उस्ताद भीमसेन जोशी संबंध है, तो ये आपका किराना घराने से है, इसे आप याद रखेंगे। अगला है दोस्तों कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु गीज पद्म कुमारन नायर कौन, तो गीज पद्म कुमारन नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य के नर्तक हैं, तो ये दोस्तों आपका कथक नृत्य के नर्तक थे।
थे कौन? किज पद्म कुमार नायर। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास के बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।